तीसरे में फॉर यू पे, चौथे पे घर पे, पांचवे में मैं आपके घर पे। कैसे हैं आप? दुआ है भाई, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ कि ये डायलॉग मैंने ना कहीं सुना सुना लग रहा है, ये किसका कॉपी किया है आपने? अच्छा यार ये तो मेरा डायलॉग तो मेरा अपना है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। जुगनू उस्ताद का कॉपी किया तुमने? उस्ताद है वो मेरा, मतलब मैं उसकी वजह से फेमस भी हुआ हूँ, लेकिन कुछ उसका है कुछ मेरा अपना है। अच्छा वैसे अपने बारे में बताओ, क्या क्या करते हो तुम, क्या तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, किस चीज में तुम आगे हो? अच्छा मैं ज्यादा से जो है ना बाइक वाले व्हील घुमाने वाले ट्रेन से ज्यादा आगे हूँ। व्हील घुमाने वाले? सिर्फ व्हील घुमाते हो या बाकी कुछ भी घुमाते हो? ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। भाई ये देखो ये चाबी, ये रसुच गाड़ी बंद है। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे बोलते हैं कि क्या बंद होता है, आपके सामने कोई भी नहीं है। सही है भाई, किक फोल्ड है। तो फिर मैं इस तरह थोड़ा यूं करता हूँ ना, थोड़ा झटका लगता है इस तरह, वो बाइक थोड़ा हिलता है इस तरह, मतलब थोड़ा जोर लगता है, फिर उसके बाद बाइक खुद स्टार्ट हो जाती है। झटका कैसा लगता है, मजा आता है? झटका तो इस तरह लगता है, मतलब थोड़ा जोर होता है ना थोड़ा बाद में। अच्छा किक को पिछवाड़े से स्टार्ट किए कभी गाड़ी बाइक? अंदर अंदर चली गई फिर घुस घुस गई फिर? इतना मसला नहीं होता है, मसला नहीं होता, आदत है। ये आपका हाथ इतना क्यों चल रहा है, सिर्फ यहाँ चला रहे हो या बाकी भी? यार यार जगह पे चल रहा है, जहाँ पे आप देखो। ओ मैं पता है क्या, जो चाबी यूं करता हूँ ना वो ऐसे गोल वो लोग आ जाते, पता भी नहीं चलते कहाँ। अच्छा ये बताओ कि अपना टिकटॉक पे जब फेमस हुए जी, ठीक है, तो एक ही वीडियो बार बार बनाने का मकसद क्या है यार? वो कुछ नया कॉन्टेंट नहीं है तुम्हारे? कॉन्टेंट तो नया मुझे पता है, लेकिन वो उसमें ट्रेंड चल रहा है, जब ट्रेंड चल रहा होता है ना वो वीडियो थोड़े ज्यादा बनाता हूँ। तो अब इसके बाद क्या लाने वाले हो, मतलब गाड़ी वाड़ी स्टार्ट करोगे तुम? कैसे इसके बाद जो है ना आयरूफ स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। ये ट्रेन अभी मैं बता रहा हूँ आपको, तो मुझसे निकल गया, मैंने नहीं बताना था, तो फिर सब स्टार्ट। ये चाबी स्टार्ट मतलब गाड़ी कैसे स्टार्ट करोगे? गाड़ी वो व्हील घुमा के बस चाबी गाड़ी के अंदर डालेंगे, गाड़ी बंद है तो बाकी सेल्फ मैप कुछ नहीं होगा, थोड़ा व्हील घुमाएंगे फिर स्टार्ट हो जाएगी। आयरूफ ले लिए वो सब कुछ, मजा आया होगा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा आपका एक अभी वीडियो वायरल हुई थी जी, जिसमें आप बोल रहे थे कि मैं अपनी माथे पे चाय रख के बनाऊंगा, तो वो चाय आपके माथे पे गिर गई थी, वो वीडियो आती है, उसकी फुल वीडियो कहाँ मिलेगी हमें? वो तो मैं आपको बता दूं किस तरह था। पूरे टिकटॉक पर चैलेंज है, जो गरम चाय माथे पे रख के दिखाएगा तो उसको मैं कड़े कड़े 50,000 रुपए इनाम दूंगा। ये अभी आपको निशान नजर आ रहा होगा, ये नीचे तो करो, नीचे करो, नीचे करो, किस तरह ये दिखाओ ना पब्लिक को, दिखाओ ये ना सामने, ये देखो अभी तक निशान नहीं आ रहा है। थोड़ा सा उधर करो, नहीं नहीं नीचे थोड़ा सा उधर करो, ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है आपको? नहीं दिखा आपको? कैसे दिखेगा आपका माथा है भजन। अच्छा वैसे तुमने कभी सुना है कि कोई चीज फटी हो और आवाज नहीं आई हो, ऐसी कोई चीज है? ऐसे तो बहुत ज्यादा दिमाग में क्या है, फौरन झट से जवाब दो, थक कर गया ऐसे जवाब नहीं दिमाग में। हाँ यार सोचना पड़ेगा थोड़ा, बताओ ना ऐसी कौन सी चीज है जो फटती है तो आवाज नहीं आती? मैं बताऊं दूध। बहुत मजा आ रहा है यार, मजाक के अलावा बहुत मजा आ रहा है यार। फ्यूचर, अपना फ्यूचर बताओ थोड़ा सा, क्या क्या सोचा, शादी का सोचा है, बच्चे बच्चे करने हैं या शादी से पहले ही बच्चे करने हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। टिकटॉक को और फ्यूचर में जहरीला करना है या नहीं करना? अभी तो बहुत ज्यादा करना है यार, फुल अश्लील हरकतें, फुल यूं लाना है, यूं तो ये किसी के अंदर घुस गया फिर वो नहीं फंसेगा यार। अच्छा आपका डायलॉग क्या, एक दफा डायलॉग बोल के बताइएगा। 3, 2, 1 अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा आप जानते हैं मैं उसामा खान, तीसरे पे फॉर यू पे, चौथे पे घर पे, ओके अल्लाह हाफिज़। तो पहला और दूसरा किधर है इसमें? यार मैंने इतना जोर से बोला मेरा गर्दन में दर्द हो गया। ऐसी हरकतें नहीं करें ना आप, ये तुम्हारी कमजोरी की निशानी है, मैं बता रहा हूँ। ये तो आपने बोला ना तो थोड़ा सा उसमें, अबे नहीं हाथ इतना मलते हो ना तुम ऑयल लगा के।
इसके अलावा क्या काम करते हो? इसके अलावा यार मेरी जो है ना सदर में दुकान है गैस की, एलपीजी की। एलपीजी की? हाँ, तो गैस नहीं, सिलेंडर, वो जो गैस डालते हैं आग, जिससे आग जलता है, ऑमलेट पकते हैं, चाय पकती है। अच्छा, ये जो आपने बताया आप एलपीसी का काम करते हैं? एलपीजी भाईजान, सिलेंडर वाला। एलपीसी नहीं होता, बताओ इसको क्या होता है? एलपीजी गैस। लेट्स प्ले क्रिकेट। अच्छा, तो इसमें सिलेंडर होता है। समत सिंह का नाम सुना है आपने? समत खान, समत सिंह नहीं, समत खान। यूं बोलो, आपको मेरा नाम भी नहीं पता है यार। समत सिंह टीवी नहीं है आपका? समत खान। आप मशहूर हुए हो समत सिंह के नाम से? अच्छा, ये आपने नया रख दिया, मैंने तो कभी नहीं सुना। नया नहीं है, जॉनी सिंह ने बोला है कि मेरे भाई हैं। अच्छा समत, ये बताओ कि टिकटॉक पे शुरुआत कहाँ से की, मतलब कि पहली वीडियो कब डाली और कितना टाइम हो गया तुम्हें टिकटॉक पे टिकटॉक्स बनाते हुए? यार टिकटॉक में तो मुझे 1.5 साल हो गया। अच्छा, 1.5 साल हो गया। पहली वीडियो कौन सी बनाई थी? पहले मैं जो है ना डायलॉग वाले बनाता था ना, संजय दत्त वाले। संजय दत्त वाली? हाँ। यार एक एक वो करके देखा, भाई नहीं है। नहीं। ए माँ क्या देख रही लिए, ये 50 तोला है, तेरा मुन्ना ही सामने खड़ा है। कौन खड़ा है? रघु, रघु। टाइट टाइट टाइट। पहली वीडियो कौन सी वायरल हुई थी समझ? पहली मेरी जो है ना, मेरी ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो वायरल हुई जुगनू के साथ हुई है। जुगनू उस्ताद के साथ? बहुत ज्यादा, मतलब हम एक साथ ही है बहुत टाइम से, बनाते रहते हैं। अच्छा, पहले तुम लोगों ने क्या साथ किया था, कौन सी वीडियो साथ की थी? हाँ, पहले मेरी मशहूर हुई थी वीडियो फलक वाली। मैंने उसको बोला था, हाँ उस्ताद गाड़ी हो गई तैयार? बोलता है हाँ हो गई, तीसरे पे आएगी। तो फिर जब इसने बोला, मैंने बोला वो क्या नाम है, फलक भी देख लिया? वो फलक मेरे से थोड़ा उल्टा हो गया, फलक हो गया, मैं फलक बोलना चाह रहा था, प्लग हो गया। बोलते फलक नहीं, तो उसको फ्लग तुम लोग बोलते हो या वैसे भी? नहीं तो वैसे, मतलब मैं सही बोल रहा था, उल्टा हो गया थोड़ा, तो उसी से वीडियो बहुत ज्यादा मिलियन पे गई। अच्छा, मिलियन पे चली गई। हाँ। उल्टी सीधी चीजें चलती हैं मतलब। बहुत ज्यादा तो जो मुफ्ते आली भी होती थी। हाँ उस्ताद, आज फिर समझ से मुफ्ता मारने आए हो? अच्छा। तो हाँ। एक बात बताओ जी जी, कि जब तुम फेम तुम्हें मिल गई तो लोगों का प्यार कितना मिला? बहुत ज्यादा। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लोग होते हैं उन सबको मैं सपोर्ट करता हूँ। आप देख रहे होंगे जिनके साथ मैंने वीडियो बनाया, तो उनके सब मिलियन मिलियन व्यूज आए। तुम्हें पता है पिल्ले भी यहाँ पे आया था? जी जी। तुम्हारा दोस्त है ना वो भी? हमारा दोस्त है बिल्कुल। तो कैसा बंदा है वो? माशाल्लाह से ग्रेट बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है, मेहनत करता है माशाल्लाह। तो अभी देखो उसको तरक्की मिली, अभी हर कोई बुला रहा है उसको। मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह तुम्हें भी ऐसी तरक्की मिले, तुम्हें भी ऐसे ही व्यूज मिले, ऐसे ही सब बुलाते रहे तुम्हें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आवाम को सपोर्ट करोगे तो हर कोई तरक्की ज्यादा से। और तुम जैसे अच्छा कॉन्टेंट बनाओगे ना तो इंशाल्लाह तरक्की मिलेगी पिल्ले से भी ऊपर। मैं चाहता हूँ जैसे तुम दोनों आस पास ही रहो, साथ साथ ऊपर जाते रहो। रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा। अच्छा, यहाँ आके कैसा लगा समझ तुम्हें? यहाँ पे माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा, एंटरटेनमेंट पे मैं आया हूँ तो बहुत अच्छा लगा। भाई लोगों ने बहुत इज्जत भी दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत लव वाले बंदे। तो आप लोग भी यहाँ पे आ जाओ, इंटरव्यू दो, जितने छोटे टिकटॉकर है उन लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं। मजाक जो है ना अपनी जगह, बाकी लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे है, बेस्ट बंदे। इतनी खुशी मुझे। तुम कोई पब्लिक को मैसेज देना चाहोगे अपने फैंस को तो क्या मैसेज दोगे? तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना मेहनत करो, जो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, जितना मजाक जितना तफरी वाले वीडियो बनाओगे उतना आप लोग वायरल होंगे। ठीक है समरिया, आखिरी रिक्वेस्ट करूँगा मैं आपसे, वो आपका फेमस डायलॉग, फिर हम अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे आप जानते हो मैं समद खान, तीसरे पे फोर यू पे, चौथे पे घर पे। Okay, I love it.